सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक पोयम है जिसका नाम है फ्रा लिप्पी लिप्पो, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1855 में लिखी गई ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सबसे पहली बार ये मैन एंड वोमेन नाम के एक पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी और फिलिप्पो लिप्पी एक पेंटर है, उसी के बारे में ये पोयम है। ये पोयम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसका जो मीटर है वो अयाम्बिक पेंटामीटर है। और अब हम इस पोयम की समरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, लिप्पी इस पोयम की स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि हीरो है। और ये एक मॉन्क है जो पेंटर है और वो 15th century से बिलोंग करता है। और इस पेंटर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इटली में स्पेंड किया है। सो एक बार क्या होता है, जो हमारा हीरो है ये रेड लाइट एरिया में घूम रहा है और ये ऐसा कॉन्शियसली कर रहा है या अनकॉन्शियसली कर रहा है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर उसके साथ में ट्रेजेडी ये हो जाती है कि उसको गार्ड्स या कि पुलिस जो कह सकते हैं हम, उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। और हम ये तो जानते ही होंगे कि ये रेड लाइट एरिया क्या होता है। रेड लाइट एरिया प्रेस्टिट्यूट एरिया होता है जहाँ पर ये पेंटर घूम रहा था और जिसे वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया। और अब वहाँ के गार्ड उससे क्वेश्चंस करते हैं कि वो वहाँ पर कैसे आया और वो यहाँ पर कर क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चंस गार्ड्स स्पेशली इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो एक मॉन्क है और मॉन्क रेड लाइट एरिया में क्या कर रहा है, क्योंकि मॉन्क तो एक धार्मिक इंसान होता है, उसे इस तरह की जगह पर नहीं होना चाहिए। और वो मॉन्क उन गार्ड्स को बताता है कि बस वो वहाँ से गुजर रहा था और तभी तुमने मुझे पकड़ लिया, यानी कि उन गार्ड्सों ने उस मॉन्क को पकड़ लिया। लेकिन गार्ड्स ये बात सुनकर उसको नहीं छोड़ते। अब अपने आप को छुड़ाने के लिए या इस मुसीबत से बचने के लिए वो बताता है कि मैं एक पेंटर हूँ और जिसका पैट्रोन यानी कि मालिक जो है वो कोस्मो मेडिसी है। कोस्मो मेडिसी उस टाइम का एक ताकतवर पावरफुल आदमी था और जिसकी सपोर्ट में ये पेंटर ये मॉन्क रहता था। ये सुनकर ये जो गार्ड्स होते हैं थोड़ा पीछे हट जाते हैं और फिर ये मॉन्क उन्हें अपने मॉन्क बनने की कहानी बताता है, यानी कि ये पेंटर अपने मॉन्क बनने की कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके माँ बाप दोनों की डेथ हो जाती है और वो अनाथ हो जाता है। उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इसके बाद वो किसी तरह क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में पहुंच जाता है या किसी के द्वारा वहां पर पहुंचा दिया जाता है। वहां पर उसे उसकी ज़रूरतों की चीज़ जैसे खाना, कपड़ा और सोने के लिए छत मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और उसे वहां पर मॉन्क बनना पड़ता है। हालांकि वो उसकी मर्जी से नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे वो काम करना पड़ता है जिसे वो नहीं चाहता। लेकिन मॉन्क बनने के इस प्रोसेस में वो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है, उसे वहाँ पर काफ़ी ज्ञान मिलता है। उसने वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज भी सीखी, लेकिन उसे लैटिन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट था तो वो पेंट करना पसंद करता था और ये उसका गुण था, उसकी स्किल थी और वो पेंट कर सकता था, बहुत अच्छा कर सकता था। और वो धीरे धीरे बहुत अच्छा पेंट करने लगा, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाने लगा और वो चाहता था कि वो हर एक खूबसूरत चीज़ को पेंट करे। लेकिन जो मोनेस्ट्री थी वो चाहती थी कि वो बाहर की सुंदरता पर ध्यान न देकर सोल मीन्स सच्ची सुंदरता पर ध्यान दे और उनकी पिक्चर बनाए, यानी कि वो रिलीजियस पिक्चर ही बनाए। और मोनेस्ट्री के जो दूसरे मॉन्क थे वो चाहते थे कि वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को ही पेंट करे, मीन्स जैसे गॉड, गोडेस या चर्च, सेंट, इनको ही पेंट करे। लेकिन वो हर एक ब्यूटीफुल चीज़ को पेंट करना चाहता था। इसलिए उस मॉन्क और मोनेस्ट्री में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष चलता रहता था। मोनेस्ट्री उसे वो आज़ादी नहीं देती थी जो सामान्य लोग जीते हैं, लेकिन वो अपने आप की सुनना और करना चाहता था। इसलिए वो रातों में निकल जाता था, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करता था। और वो ये भी बताता है कि वो यहाँ तक कैसे आया। जब रात में वो अपने कमरे में लेटा हुआ था तो वो कुछ सॉन्ग्स की आवाज़ों को सुनता है। उन्हें सुनकर वो खिड़की से नीचे निकल कर पाइप के सहारे नीचे आ जाता है और उन औरतों के पीछे चलने लगता है जो वहाँ से गीत गाती हुई निकल रही थी। उसे ये नहीं पता था कि वो अब रेड लाइट एरिया में आ गया है। और इसके बाद तो हम सब जानते हैं कि वो वहाँ पर गार्ड्स या पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है, उसे लगता है कि उसने काफ़ी भला बुरा कह दिया है मोनेस्ट्री को, क्योंकि वो वहीं पर रहता है, उसे वहीं रहना है, खाना पीना उसका वहीं पर है।
तो इससे वो डर जाता है, वो सोचता है कि अगर मोनेस्ट्री की बदनामी होती है तो इसमें उसकी खुद की भी बदनामी है। तो इसलिए वो गार्ड से कहता है कि वो एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाएगा, यानी कि एक पिक्चर बनाएगा जो गॉड की होगी और मदर मैरी की होगी। और इसके बाद गार्ड्स उसे जाने देते हैं और वो अपने घर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस पोएम की वेरी शॉर्ट समरी। ये काफ़ी लंबी पोएम है जिसे लाइन बाय लाइन एक वीडियो में कवर करना या एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल काम है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।